आष्टा में क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय का इंतजार कर रहे ग्रामीणों का गुस्सा उस वक्त फूट गया जब वे ग्रामीणों से मिलने नहीं पहुंचे। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर विधायक से मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विधायक बिना मिले ही वहां से निकल गए। विधायक भाजपा की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। सिद्दीकगंज रोड वार्ड 8 पर हनुमान मंदिर के पास बड़ी संख्या में ग्रामीण विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय से मिलने इकट्ठा हुए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने ग्रामीणों को उनसे मिलने नहीं दिया। उन्हें वहां से वापस जाने के लिए दबाव डाला गया, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं ग्रामीणों ने भाजपा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि हम गांव की समस्या बताने के लिए यहां 4-5 घंटे से खड़े हुए हैं, पर विधायक पुलिस प्रशासन की आड़ लेकर चले गए, जिसका जवाब हम आने वाले चुनाव में देंगे। गौरतलब है कि खाचरोद सिद्दीकगंज मार्ग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन चला था। उस समय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि ठेकेदार द्वारा मशीन आदि भेज दी गई है, सड़क का निर्माण कार्य सतत जारी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही सिद्दीकगंज पहुंचने वाला मार्ग भी काफी खराब हो चुका है। ये हमने हमारे जो क्षेत्रीय विधायक थे, जो जिलाध्यक्ष जी आए थे, इन्होंने मंडल की बैठक रखी थी सिद्दीकगंज में, तो जनता ऐसा आक्रोश में थी। सारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो गुस्साए थे, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया है, और ये लोग यहाँ पर मीटिंग कर करके जाते हैं, लोगों को आश्वासन देके जाते हैं और झूठा आश्वासन देके जाते हैं। बीजेपी संसद वो सदस्यता की मीटिंग थी, इसमें सभी लोगों ने, युवा साथियों ने मिलकर बीजेपी विधायक से बातचीत करने के लिए, जो ग्रामीण पिछले 22 दिन से धरना स्थल जो करा था रोड का, समस्या अपनी समस्या बताने के लिए सब लोग बैठे हुए थे। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है कि बीजेपी विधायक छुपकर भरे पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर। भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक मांगलिक भवन में पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को मिलेगा। बच्चे के जन्म से लेकर शादी विवाह मृत्यु तक हमारी सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है, आने वाले समय में भी सभी लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा जन समस्याओं को लेकर जो भी ग्रामीणों की बात है उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, मैं अभी यहाँ पर बैठक में लेट आया हूँ और मुझे समापन सत्र को संबोधित करना था, तो समापन सत्र को मैंने आके संबोधित किया। आज भारतीय जनता पार्टी के सिद्दीकगंज मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई और पार्टी के संस्थापक विषय पर हमने विचार किया। जो आपका प्रश्न है कि बाहर पुलिस यहाँ तैनात है, इसकी मैं अभी जानकारी लूँगा। मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद मुझे ये सब चीज़ें जानकारी पाई, तो मैं आपको सारी बातें समझ के ही बता पाऊंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।